हेलो डियर इंजीनियर्स, फुटिंग और कॉलम की ड्राइंग रीडिंग के बाद आज हम पहुंच चुके हैं बीम की ड्राइंग रीडिंग के बारे में। तो इस वीडियो में सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, बीम की ड्राइंग कैसे पढ़ी जाती है, किस किस स्टेप में फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पर गए और आपके पास बीम की WD या फिर स्ट्रक्चरल ड्राइंग आ गई तो उसको कैसे पढ़ना है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग को और कैसे उससे काम करवाना है, इसके बारे में सारी जानकारी हम लेने वाले हैं। अगर आपने फुटिंग और कॉलम का वीडियो नहीं देखा है, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ आई बटन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, जाके जरूर देख लीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए आइए चलते हैं बीम की ड्राइंग रीडिंग के बारे में, और उससे पहले ये समझ लेते 3D ट्रेनिंग मॉडल इंटरफेस। भाई सिविल गुरुजी ने आपको आगे बढ़ाने के लिए पूरा कॉन्सेप्चुअल चीजें क्लियर करने के लिए बनाया 3D मॉडल ट्रेनिंग इंटरफेस, जो कि मैं वीडियो के एंड में आपको जरूर दिखाऊंगा। इस 3D मॉडल के हेल्प से भी हम समझेंगे कि बीम किस तरह से बंधी जाती है, क्योंकि ड्राइंग के बाद उसको इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं 3D मॉडल के हेल्प से ये सारी चीजें आपको समझाने वाला हूं। आइए चलते हैं, सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट रीड जनरल नोट्स ऑफ सेक्शन इन ड्राइंग, यानी कि कोई भी ड्राइंग, चाहे आप फुटिंग की पढ़ रहे हैं, कॉलम, बीम, स्लैब, कोई भी पढ़ रहे हैं, सबसे पहला काम है जनरल नोट्स को ही पढ़ना है आपको, कोई भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग की रीडिंग से पहले। तो ये सारे जनरल नोट्स मैंने फुटिंग और कॉलम की ड्राइंग में बार बार पढ़ चुके हैं, तो आप इसको उसी वीडियो में जाकर देखिएगा, इसमें मैं टाइम नहीं देने वाला। इस जनरल नोट्स में जो बीम के केस में हमको सबसे इंपॉर्टेंट देखना है, वो देखना है द क्लियर कवर शैल बी अंडर बीम के लिए। यहां पर देखिए बीम के लिए क्लियर कवर दिया हुआ 25 mm, ये आपको ध्यान देना है कि जनरल नोट्स में बीम के लिए कवर कितना दिया गया है, तो हमारे पास यहां डेटा अवेलेबल है 25 mm। क्लियर इंजीनियर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हमको देखनी है कि बीम के लिए ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट में हमारे पास बीम के लिए ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है M25 और स्लैब के लिए भी M25। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको पता चल गए, भाई कवर कितना लेना है और कौन सा ग्रेड का कॉन्क्रीट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जनरल नोट से पढ़ने का, वो है इसकी डेवलपमेंट लेंथ, बीम के लिए कितनी ली है। तो यहां पर देखिए बीम के लिए डेवलपमेंट लेंथ या फिर लैप लेंथ, चाहे आप डेवलपमेंट लेंथ ले रहे हो चाहे आप लैप लेंथ ले रहे हो, इसकी वैल्यू लेनी है 50 × डायमीटर ऑफ बार, दैट इज 50D। ड्रॉइंग पर क्लियरली गिवन है, खुद से नहीं सोचना, 50D, 50 × डायमीटर ऑफ बार। तो ये तीन चीज हमको समझ में आ गई, कवर हो गया, कौन से ग्रेड का कॉन्क्रीट है, और डेवलपमेंट और लैप लेंथ का वैल्यू कितना लेना है, बस यही जनरल लोड से हमको समझना होता है बीम के लिए। आइए नेक्स्ट पार्ट समझते हैं कि भाई ये तो हमने पढ़ लिया जनरल लोड्स के बाद, अब हमको पढ़ना है प्लान ऑफ बीम डिटेल्स, कि भाई बीम डिटेल्स का प्लान पढ़ लो। अब उससे भी पहले ये समझते हैं कि भाई बीम अलग अलग स्टेज में बनता है, ग्राउंड बीम या प्लिंथ बीम होगी, फिर उसके बाद ग्राउंड फ्लोर स्लैब बीम होगी, अगर फर्स्ट फ्लोर है तो फर्स्ट फ्लोर स्लैब बीम, या फिर उसके बाद रूफ है तो वो रूफ बीम हो गई, यानी कि बीम भी अलग अलग स्टेज पर कास्ट होती है। तो यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि आप कौन सा प्लान पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो जैसे मेरे पास ये जो प्लान है, दैट इज प्लिंथ बीम प्लान का एग्जाम्पल लिया मैंने, यानी कि प्लिंथ बीम पर जो भी पूरा बीम बंधा होगा उसके बारे में सारी जानकारी मिलेगी। तो ये प्लान है, यहां पर देखिए मेरा यहां पर 30 फीट है और यहां पर 40 फीट, यानी कि 40 फीट बाय 30 फीट का मेरा प्लॉट एरिया है। यहां पर जो मेरे को बीम की डिटेल्स दी गई है, दैट इज PB1 के नाम से यहां पर इसको रिप्रेजेंट किया गया है, PB1 यानी कि प्लिंथ बीम 1, ये भी PB1, यहां पर देखिए PB2 और कहीं पर और एक्स्ट्रा है, यहां पर देखिए PB3, यानी कि बीम अलग अलग नेमिंग नॉर्मल क्लेचर से डिफाइन हो रही है। इसका मतलब यहां पर जो रेनफोर्समेंट लगने वाला है या फिर जो बीम की साइज होने वाली है वो अलग अलग हो सकती है। साइज जरूरी नहीं है कि अलग अलग हो, लेकिन ये हो सकता है कि रेनफोर्समेंट अलग हो, तो वो कैसे होगी इसको आगे चल के हम देखेंगे। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको कॉलम ओरिएंटेशन समझ में आना चाहिए, जब भी आप बीम की ड्रॉइंग को रीड कर रहे हैं। तो कॉलम ओरिएंटेशन कहने से मतलब है, जैसे कि यहां पर जो हमारा कॉलम है, एक एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूं आपको, जो हमारा कॉलम है वो है 12 इंच बाय 9 इंच का, ठीक है, 12 इंच बाय 9 इंच का हमारा यहां पर कॉलम है। तो इस कॉलम पे 12 इंच किस साइड होगा और 9 इंच किस साइड होगा, इस बीम के प्लान पर देखकर समझना है, यही आपको हेल्प करेगा आगे की ड्रॉइंग को समझने में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला फ्रेम लेता हूं, देखिए फ्रेम मतलब कि जहां से ये स्ट्रक्चर चालू होता है और जब तक ये एंड नहीं होता, ये कहलाता है एक पूरा फ्रेम, क्लियर है, ये कहलाता है एक पूरा फ्रेम।
तो इस पूरे फ्रेम में सबसे पहले देखते हैं कॉलम का ओरिएंटेशन किस तरह से। जैसे ये फर्स्ट कॉलम की बात करता हूं इस फ्रेम में, तो इस कॉलम में 12 इंच इस डायरेक्शन पर है ऐसा, और 9 इंच इस डायरेक्शन पर है, इस डायरेक्शन पर 9 इंच। सेम जैसे मैं आगे बढ़ता हूं बाजू वाले कॉलम में, तो यहां पर भी देखिए ये पूरा 12 इंच हो गया और 9 इंच ये वाला डायरेक्शन हो गया। सेम फिर आगे बढ़ता हूं, लेकिन देखिए यहां पर कॉलम ओरिएंटेशन चेंज हो गया, ये ऐसा हो गया, 12 इंच ये वाला साइड हो गया और 9 इंच ऊपर वाला साइड हो गया। यानी कि जब यहां पर रेनफोर्समेंट लगेगा, इस तरह से जब रेनफोर्समेंट लगेगा, देखिए फॉर एग्जांपल ये मैं एक रेनफोर्समेंट लगा रहा हूं ये पूरी बीम पर, जब यहां पर रेनफोर्समेंट लगेगा तो यहां पर ये देखना है कि कॉलम का कितना फेस होकर ये आगे जा रहा है, कॉलम के कौन से साइड से आगे जा रहा है, इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां से चालू करूं तो ये 12 इंच से जा रहा है, फिर जैसे ही दूसरा कॉलम आया यहां पर भी ये 12 इंच से होते हुए आगे बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ये वाला फेस आएगा तो यहां पर देखिए 9 इंच से होते हुए आगे जा रहा है, सेम यहां पर भी 9 इंच से होते हुए जा रहा है, और यहां पर भी एंड में 9 इंच पर भी जाकर खत्म हो रहा है, क्योंकि ये सेम ऐसे बने हुए हैं। तो प्लान पे आपको यही कॉलम ओरिएंटेशन ध्यान देनी है बीम की ड्रॉइंग रीडिंग के केस में, और उसी के साथ साथ कितने तरह की बीम है, ये सारी डिटेल्स आपको यहां पर बहुत आसानी से पता चल जाएगी। क्लियर इंजीनियर्स? और ऐसा भी है कि ये प्लान को पढ़ने के बाद अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपकी क्वेरी समझ पाऊं और आपको उस हिसाब से आंसर दे पाऊं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो हमको पढ़ना रहता है स्टील डिटेल्स ऑफ बीम, ये हमारे प्रोजेक्ट में दी ही होगी स्टील रेनफोर्समेंट की डिटेल्स। उसके साथ आपको इस तरह का शेड्यूल दिख जाएगा पूरा का पूरा, जिसमें की पूरी रेनफोर्समेंट की डिटेल्स होगी। इसमें देखिए नेम PB1, PB2 एंड PB3, यानी कि तीन तरह की बीम लग रही है। क्लियर? साइज देखते हैं 9 इंच बाय 12 इंच, 9 बाय 12, तीनों का साइज तो सेम है, साइज में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब यहां पर देखिए रेनफोर्समेंट एट टॉप, यानी कि बीम के केस में जो टॉप पार्ट में रेनफोर्समेंट लग रही है उसका डेटा दिया हुआ है, दैट इज 2-12 TMT। सेम PV2 में 2-12 TMT, यानी कि दो नंबर ऑफ बार, दो क्या हो गया नंबर ऑफ बार, और 12 TMT क्या हो गया डाया ऑफ बार। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट डेटा जो हमारे पास दिया है रेनफोर्समेंट एट बॉटम, यानी कि जो बॉटम पार्ट में रेनफोर्समेंट लग रही है बीम के केस में, उसका डेटा है 2-12 TMT, 2-12, यहां पर भी सेम, यानी कि दो नंबर ऑफ बार लग रही हैं और 12 mm डाया की, सेम डेटा हो गया। सेम आगे बढ़ते हैं एक्स्ट्रा एट बॉटम। अब देखिए एक्स्ट्रा यानी कि एक्स्ट्रा बार जो हम बॉटम पर लगाते हैं उसकी डिटेल्स बोल रही है, दैट इज 2-12 TMT और 2-10 TMT। इसी वजह से यहां पर देखिए PV1 अलग हो गया और PV2 अलग हो गया, क्योंकि टॉप और बॉटम का डेटा सेम था, लेकिन एक्स्ट्रा एट बॉटम का डेटा बदल गया। यहां पर दो नंबर पर लगी है 12 mm डाया की, लेकिन PB2 में लगी है दो नंबर पर 10 mm डाया की बार। इस चीज को ध्यान देना है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें कि एक्स्ट्रा एट टॉप की, भाई टॉप एक्स्ट्रा कितना लगा है, तो दो लगी है 12 mm डाया की, और PB2 में दो लगी है 10 mm डाया की, PB3 में तो ना बॉटम एक्स्ट्रा है ना ही टॉप एक्स्ट्रा है। क्लियर दोस्तों? ये चीज आपको शेड्यूल में पढ़ना है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज रिंग की, रिंग्स किस तरह से बनती है इसको देखना है। सबसे पहले अप टू L/3 बोल रहा है कोई डेटा, अभी क्या है हम आगे चल के देखेंगे। उसके बाद बोल रहे आफ्टर L/3, तो यानी कि L/3 के डिस्टेंस पर जो रिंग्स बनेगी, दैट इज 8 hash, यानी कि 8 mm डाया का, एट द रेट यानी कि स्पेसिंग 5 inch सेंटर टू सेंटर के स्पेसिंग में लगने वाली है L/3 के जोन में हमारी रिंग्स, कितने के 5 inch की स्पेसिंग में। और आफ्टर L/3 के बाद जो लगेगी 8 mm डाया की 6 inch के स्पेसिंग पर लगने वाली है हमारी रिंग्स। तो ये डेटा तीनों के लिए सेम है, तो इसी चीज को हम ध्यान देना है। क्लियर इंजीनियर्स? अब जैसे ही हमने एक बार बीम का स्टील डिटेल्स पढ़ लिया, रेनफोर्समेंट डिटेल्स पढ़ लिया, अब बढ़ते हम इसके सेक्शन को देखने के लिए कि भाई ये टॉप एक्स्ट्रा बॉटम एक्स्ट्रा अप टू L/3 सब क्या बोल रहा है, कैसे दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कि तीसरी चीज जो हमको पढ़नी है इसमें, सेम जैसे कि हमने शेड्यूल पढ़ा, ठीक है, शेड्यूल में हमने एक एग्जांपल ले लिया PV1 साइज 9 बाय 12, ठीक है, रेनफोर्समेंट एट टॉप। अब यहां पर देखिए ये सेक्शन है, इसको समझाता हूं मैं आपको डिटेल पर। रेनफोर्समेंट एट टॉप
यानी कि इस टॉप में यहां से चालू हुआ डेवलपमेंट लेंथ, लैप लेंथ क्या होता है मैं सब बता चुका हूं, मेरे पुराने वीडियोस में जाकर देख लीजिएगा। यहां से रेनफोर्समेंट चालू हुई, मैं थोड़ा अलग से बनाता हूं, यहां से रेनफोर्समेंट चालू हुई, ये ऊपर से गई ऐसा पूरा, ये पूरे अपने दूसरे सपोर्ट पर जाकर ऐसे नीचे जाके डेवलपमेंट हो गई। तो ये होगी हमारी रेनफोर्समेंट है टॉप, यानी कि मेन बार। किसी भी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर सेक्शन पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगुलर स्क्वायर सेक्शन पर मिनिमम चार नंबर ऑफ बार आनी चाहिए, 1, 2, 3 और 4, और ये चार बार हमेशा आपकी मेन बार ही होंगी। ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए अपने माइंड पर, यानी कि ये जो टॉप बार लग रही है ये एक ये वाली और एक ये वाली है, जो कि पूरे लेंथ में लग रही है, जिसका डेटा है 2 लग रही है, 12 mm डाई इसका डेटा, जो कि यहां पर लिखा हुआ है 2y12, ठीक है, दो बार हमारी लग रही 12 mm डाई की, और इसी के साथ साथ ये कहां लग रही है टॉप में, इधर पर और इधर पर, जो कि कहलाएगी हमारी मेन बार। क्या कहलाएगी? मेन बार बीम के लिए। क्लियर? अब सेम रेनफोर्समेंट एट बॉटम 2-12 TMT, तो सेम देखिए यहां पर भी 2y12 लिखा है, सेम ये भी देखिए ये भी यहां से डेवलपमेंट होगी, ये नीचे से आएगी पूरी पूरे लेंथ में और यहां अपने सपोर्ट पर चली जाएगी, तो ये भी कहलाएगी हमारी बॉटम मेन बार, बॉटम मेन बार कहलाएगी हमारी। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान दीजिए। और ये भी कितनी है? 2 12 की लग रही, यानी कि एक ये वाली और एक ये वाली, तो ये हमारी 4 बार तो फिक्स होगी बीम के सेक्शन पर। क्लियर है? अब यहां पर देखिए बीम के सेंटर से, यहां पर देखिए कॉलम, ये कॉलम है, यहां कॉलम है, तो कॉलम के सेंटर से इस कॉलम के सेंटर तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 14 feet 6 inch, ये हमारा क्लियर इफेक्टिव डिस्टेंस दिया हुआ है कॉलम के सेंटर से कॉलम के सेंटर तक। अब यहां पर देखिए आपको एक एक्स्ट्रा डायरेक्शन दिख रहा होगा, ये हो गया हमारा टॉप जोन, ये हो गया हमारा बॉटम जोन, तो इस टॉप जोन में देखिए आपको ऐसे एक सिंबल दिख रहा होगा और एक यहां पर मार्किंग दिख रही है L/3 की। क्लियर? L/3 की मार्किंग दिख रही है, जो कि कॉलम के फेस से स्टार्ट हो रहा है, ये कॉलम का फेस, और इस कॉलम के फेस से L/3 यहां पर एक डिस्टेंस दिख रहा है, जो कि हमारा है एक्स्ट्रा एट टॉप, ये वाला डिस्टेंस एक्स्ट्रा एट टॉप, जिसमें लिखा है 2 12 mm डाय की बार लग रही है, तो सेम 14 feet 6 inch / 3 जो भी वैल्यू आएगी वो आपका इस एक्स्ट्रा का डिस्टेंस होगा, यहां से यहां तक का, कि कहां तक आपका एक्स्ट्रा आ रहा है। इस तरह से आपको समझना रहता है आपका बीम का केस। क्लियर है? सेम जैसे यहां पर दिखा हमको L/3, सिमिलरली बॉटम पर भी एक्स्ट्रा बार लगी। अभी बॉटम पर एक्स्ट्रा कहां से कहां तक लगती है, यहां पर देखिए आपको ये बॉटम एक्स्ट्रा का डिटेल्स दिख रहा है, देखिए यहां से लेकर ये पूरा देखिए यहां तक आपको बॉटम एक्स्ट्रा का डिटेल्स दिख रहा है। तो बॉटम एक्स्ट्रा कैसे लगता है? L/4। L क्या है आपका? ये है L। क्लियर? ये है आपका L। तो L/4 जो करेंगे तो आपको इस कॉलम के फेस से इस L/4 छोड़ के और यहां के कॉलम के फेस से यहां L/4 छोड़कर आपको बॉटम एक्स्ट्रा की टोटल लेंथ देनी है। बॉटम एक्स्ट्रा कितना लग रहा है? 2 लग रहा है 12 का। क्लियर? तो इस तरह से आपको सेक्शन को पढ़ना है और समझना है कि किस तरह से ड्राइंग शेड्यूल के हेल्प से आप फ्रेम को समझेंगे। क्लियर इंजीनियर्स? अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमने यहां पर देख रहे सेक्शन 1-1 और सेक्शन 2-2, अब यहां पर ये रेनफोर्समेंट लगी किस तरह से उसको देखते, तो उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा इसका क्रॉस सेक्शन। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहां पर इसका क्रॉस सेक्शन, जैसे कि यहां पर हमारे पास डिटेल्स अवेलेबल है, तो ये हमारा सेक्शन 1-1 और ये हमारा सेक्शन 2-2, ये दो हमारे सेक्शन आ गए। क्लियर? अब सेक्शन 1-1 पर देखिए यहां पर टॉप में केवल 2 ही रेनफोर्समेंट है और बॉटम में 4 रेनफोर्समेंट है, तो वो कैसे लगी? यहां पर देखिए टॉप में 2 और बॉटम में 4, जो कि ये आखिरी वाली मेन बार हो गई, मेन बार, और ये बीच वाली कौन सी होगी? ये दोनों बीच वाली होगी बॉटम एक्स्ट्रा, ठीक है, बॉटम एक्स्ट्रा, ये इस तरह से लगी हुई है। सेम यहां से भी देखिए ये भी कॉलम के फेस से L/3 पर ही लगेगी, यहां पर भी जो टॉप एक्स्ट्रा इस साइड लगेगी। अब सेम सेक्शन 2-2 यहां पर देखते हैं, सेक्शन 2-2 यहां पर देखिए टॉप में टॉप एक्स्ट्रा लगी यहां पर, लेकिन यहां बॉटम पर बॉटम एक्स्ट्रा नहीं आ रही है, तो ये सेक्शन इस जगह पर L/3 तक और यहां पर ये जो L/4, ये L/4 के अंदर किस तरह से एनफोर्समेंट लग रही है दिखा रहा है। बॉटम पर तो 2 मेन बार है, टॉप पर ये और ये दोनों होगी मेन बार, ठीक है, ये होगी मेन बार, और ये बीच में ये दोनों बार है, ये होगी हमारी टॉप एक्स्ट्रा बार। क्लियर इंजीनियर्स? तो इस तरह से आपको देखना है, ड्रॉइंग्स को पढ़ना है
और समझना है, क्लियर है। लेकिन अब यहां पर एक पार्ट आता है कि भाई ये तो यहां से एक कॉलम चालू हुआ और यहां पर एक कॉलम आ गया, तो यहां तो समझ में आ गया, लेकिन जब कंटिन्यूस फ्रेम होगा, कंटिन्यू बीम बनते जाएगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये यहां पर हम देखते हैं इस वाले केस में, ये जब ये कंटिन्यूस बीम आएगी, तो इस कंटिन्यूस बीम के केस पर किस तरह से हमको समझना है, तो उस केस पर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बता देता हूं, जो कि आपको समझना भी और ध्यान भी देना है, वो इस तरह से कि कभी भी कंटिन्यू बीम आती है तो उसमें आपका डेवलपमेंट लेंथ नहीं आता। डेवलपमेंट लेंथ हमेशा फर्स्ट सपोर्ट और उसके बाद जितना भी सपोर्ट आए, बीच में मान लेते और एक सपोर्ट आ रहा है, फॉर एग्जांपल यहां पर भी एक कॉलम आ रहा है, ठीक है, तो उस कॉलम के केस पर यहां पर भी एक कॉलम आ रहा है, तो बीच में कितने भी जंक्शन आ जाए, हमेशा आपकी रेनफोर्समेंट सीधी ही जाएगी, वहां पर बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं होगी यहां पर, यानी कि ऐसा इस तरह से बेंड नहीं होगा, वो हमेशा पहले और लास्ट वाले सपोर्ट पर ही बेंड होगा, बाकी बीच में जितने भी सपोर्ट आएंगे वो हमेशा स्ट्रेट ही निकलते जाएगी। तो इस तरह से आपको बीम की ड्रॉइंग रीडिंग को समझना है, क्लियर इंजीनियर्स। तो आप और किस पार्ट में मुझसे वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर मैं आगे आने वाला हूं। मेरा अगला टॉपिक स्लैब की ड्रॉइंग रीडिंग के बारे में होने वाला है, तो अगले मंडे को बिल्कुल तैयार रहिएगा। उसी के साथ साथ लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमको मिलता है उत्साह। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और जो कि मैंने आपको बताया कि कॉप्स 2.0 की ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो बिना इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करिए आप बिल्कुल भी वक्त मत वेस्ट करिए, ज्वाइन करिए फटाफट और अपने करियर को आगे बढ़ा दीजिए, क्लियर इंजीनियर्स। और इस ट्रेनिंग के साथ साथ आपको मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन भी, जो कि आपके करियर को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। करना क्या है, फोन उठाना है, कॉल लगाना है 9111001234, काउंसलिंग टीम से बात करके अपने ट्रेनिंग को स्टार्ट करना है। सो इंजीनियर्स, इसी जोश और इसी जुनून के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।